जय हिंद साथियों। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली से 4 घंटे में पहुंचेंगे वाराणसी, 21 मिनट में जेवर एयरपोर्ट। बुलेट ट्रेन चलाने का जो सपना है वो जेवर एयरपोर्ट और वाराणसी को जोड़ते हुए दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा। दिल्ली से वाराणसी के दरमियान जल्द ही बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली से वाराणसी में 4 घंटे में पहुँचा जा सकेगा। अभी दिल्ली से वाराणसी पहुँचने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन के नाम से जो ट्रेन है चलाई जाएगी, दिल्ली में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली से वाराणसी तक अब बुलेट ट्रेन से पहुंचा जा सकेगा। बुलेट ट्रेन के जरिए 816 किलोमीटर की दूरी महज 4 घंटे में तय होगी। वहीं दिल्ली के सरायकालेखां से जेवर एयरपोर्ट 21 मिनट में पहुँचा जा सकेगा। रेल मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट स्टॉपेज को लेकर मंजूरी दे दी है। जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना हुआ आसान। बुलेट ट्रेन योजना के शुरू होते ही दिल्ली में नोएडा इंटरसिटी एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे फ्लाइट से आने वाले लोगों को आने जाने में फ़ायदा होगा। बुलेट ट्रेन सरायकालेखां से चलेगी। इसका पहला स्टॉपेज सेक्टर 148 में होगा। इसके बाद बुलेट ट्रेन का दूसरा स्टॉप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगा। 3 चरणों में इसका जो काम है वो कंप्लीट कराया जाएगा। कुल मिलाकर 13 स्टेशन इस पर होने वाले हैं। वो कौन कौन से होंगे? जेवर एयरपोर्ट वाला यानी नोएडा एयरपोर्ट, सेक्टर 148, सरायकालेखां, मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी शामिल हैं। इसके 12 स्टेशन उत्तर प्रदेश में होंगे, जबकि 13वां स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। ये 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी।